पिता को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं, लेकिन किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके सगे बेटे, जवान बेटे के साथ चल रहे हैं। और वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के ऊपर नजर रखा हुआ था। और एक दिन वो अपनी पत्नी को अपने बेटे के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हुए देख लेता है कि जिसके बाद बवाल कौर तांडव हो जाता है, जिसमें एक की जान चली जाती है। यकीनन ये कहानी और ये घटना जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी के वार्ड नंबर 14 की। वहाँ पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है। एक घर में महिला की बॉडी एक चारपाई पर खाट पर रखी हुई थी। बराबर में उसका जवान बेटा बैठा हुआ था। इस साइड में उसका पति बैठा हुआ था। पति बताता है कि महिला की उम्र 42 साल थी, जिसने कल रात को कमरे में एक फांसी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। पता नहीं वो किस टेंशन में थी, किस परेशानी में थी। जब हमने सुबह जाकर देखा तो उसको फंदे से उतारा। पुलिस मुआयना करती है, कमरे के अंदर पहुंचती है तो फंके पर एक रस्सी से फंदा बना हुआ था। पुलिस महिला के गले पर देखती है, उसके गले पर कोई निशान नहीं मिलता और पुलिस को शक हो जाता है कि ये खुदकुशी का नहीं बल्कि हत्या का मामला है। लेकिन हत्यारा कौन है, किसने इस महिला की हत्या की है, पुलिस सबसे पूछताछ करती है और आखिर में महिला के बेटे से पूछताछ करती है, जिसका नाम शिवम कुमार था, जिसकी उम्र 20 साल थी। उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ की हत्या की गई है या फिर खुदकुशी की है। तो पहला बेटा बताता है कि उसकी माँ ने खुदकुशी की है, लेकिन जब पुलिस सही से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसकी माँ की उसके पिता ने हत्या की है। और वजह ये थी कि पिता को शक था कि मेरे और मेरी माँ के अवैध संबंध चल रहे हैं और वो आए दिन हम लोगों से लड़ा करता था, मेरे साथ मारपीट करता था कि मैं अपनी माँ से दूर रहूं। लेकिन हमारा माँ और बेटे का रिश्ता था तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे के पास रहते थे। मैं उनके हाथ से खाना पीना खाता था और ये सारी चीज़ें मेरे पिता को मंजूर नहीं थी। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है तो मेरे पिता ने ही उनको मौत के घाट उतारा है। पुलिस पिता को उठा लेती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने हमें पूरी बात बता दी है, किस वजह से तुमने अपनी पत्नी की हत्या की। तुम भी अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लो। और पिता अपना गुनाह कबूल करते हुए बताता है कि 2-2.5 महीने पहले ही उसको शक हुआ था कि उसकी पत्नी के और उसके बेटे के अवैध संबंध चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास, बहुत ज़्यादा पास रहते थे, गंदी गंदी हरकतें करते थे और ये सारी हरकतें उसको नागवार थी। और जब उसने इस चीज़ का विरोध किया तो वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हुए बल्कि जैसे सब कुछ चल रहा था वैसा ही चलता हुआ आ रहा था। और मैं जब दोनों को पास देखता तो मेरे दिल में, मेरे कलेजे में आग लग जाती, क्योंकि दोनों रिश्तों को शर्मसार कर रहे थे और मैं इस चीज़ का विरोध करता हुआ आ रहा था। लेकिन 3 दिन पहले जब मैं कमरे के अंदर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास थे। और तभी मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस कहानी का अंत कर दूंगा। लेकिन मैं कंफ्यूज था कि मैं हत्या किसकी क्यों, एक अपने बेटे की या फिर अपनी पत्नी की या फिर दोनों को ख़त्म कर दूं। और आखिर में मैंने फैसला किया मैं अपनी पत्नी को मारूंगा, क्योंकि पत्नी मेरी समझदार थी, बड़ी थी, अगर वो चाहती तो अपने बेटे से दूर रह सकती थी। लेकिन सब कुछ मेरी पत्नी ने किया और यही वजह थी कि कल रात को मैंने अपनी पत्नी को अपने अलग कमरे में बुलाया था और उसको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने वहीं पर मेरा विरोध किया तो मैंने उसको ज़मीन पर गिराकर उसके गले को कसकर दबा लिया। और जब तक दबाया रहा, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और प्लानिंग के तहत अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने वहीं पर फंदा टांगा था और मैंने लाश को सुसाइड का रूप दिखाने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन पुलिस रुकती नहीं है, पुलिस इस चीज़ की भी पता करती है कि सच में माँ और बेटे के अवैध संबंध थे। तो पुलिस को पता चलता है कि दोनों के अवैध संबंध नहीं थे, पिता के दिमाग में गंदी सोच भरी हुई थी, जहर भरा हुआ था, क्योंकि वो मूवी और सीरीज देखा करता था, इसलिए उसको भी ऐसा शक होता था कि उसकी पत्नी और बेटे गलत कर रहे हैं। लेकिन असल में दोनों गलत नहीं थे, माँ बेटे का पाक रिश्ता था, दोनों नॉर्मली एक दूसरे के पास आते थे, खाना पीना देते थे, खाते थे और वो इसी सारी चीज़ों को गलत समझ बैठे। ज़्यादातर लोग जैसे खुद गलत होते हैं, उनके दिमाग में भी दूसरों के लिए वैसी ही गलत फीलिंग्स आती हैं और यही वजह थी कि वो हत्यारा कातिल बन गया, वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। आप ऐसे लोगों पर क्या बोलना चाहेंगे जिनके दिमागों में
जहर और गंदगी भरी हुई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।